हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मिराज और स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर यूपी हैकर में। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे वीडियो किस रिलेटेड है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा मिस्टर यूपी एक्सपेरिमेंट जो चैनल है वो हैक हो गया है और उसको टेक्निकल इसरार सन ने हैक किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि टेक्निकल इसरार वो कौन है जिसने मेरे चैनल को हैक किया है, उससे आप कैसे बचें और मेरे चैनल को हैक कैसे किया गया, उसमें पहले कैसे कोशिश की गई, इस सबको आज मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। और कोई टेक यूट्यूबर देख रहा है तो इसको लेकर एक वीडियो अपने चैनल पर ज़रूर बनाएं, उसमें मेरे YouTube चैनल का नाम ले दें, जो हैक हुआ है उसका भी नाम ले दें। और मैं आपको बता दूँ, जो मेरा चैनल हैक हुआ है वो अभी भी यूट्यूब पर है, उस पर सिर्फ अभी तक लोगों को चेंज किया गया है और उसमें जो चैनल आर्ट होता है उसको भी चेंज किया गया है, लेकिन अभी तक अबाउट सेशन में जो बिजनेस इंक्वायरी के लिए मेल वगैरह होती है और उसमें जो इंट्रोडक्शन वगैरह होता है वो अभी तक मेरा ही है और उसमें एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो इस तरीके का अब भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मेरा चैनल ये हैक नहीं हुआ था और मेरे एडसेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको लेकर मैंने टेक्निकल इसरार सर की वीडियो पर कमेंट किया था उसी चैनल की आईडी से, यानी मिस्टर यूपी एक्सपेरिमेंट वाले चैनल से। तो फ्रेंड, उसको टेक्निकल इसरार सर ने पिन कर दिया था और उस पर मुझे एक कमेंट किया था, मतलब मेरे कमेंट के रिप्लाई पर ही उन्होंने कहा था कि आप मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताओ। मैंने वहाँ पे अपने इंस्टाग्राम आईडी को बता दिया, लेकिन टेक्निकल इसरार सर ने कमेंट ना करते हुए किसी दूसरे बंदे ने, जिसका टेक्निकल इसरार के नाम से ही आईडी थी और 1500 फॉलोवर थे, तो उसने मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट करा। मैंने सोचा कि शायद टेक्निकल इसरार ही सर हैं, क्योंकि डायरेक्ट मैं वहाँ से जो था कमेंट सेशन में ही गया था, कमेंट आया था तो टेक्निकल इसरार उस पर लिख रहा था, लेकिन इतनी मैंने जानकारी लेने की कोशिश नहीं करी कि उसमें स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी। यह टेक्निकल इसरार में ISRAR था तो उसमें IFRR था, यानी वहाँ पे इतनी सी मिस्टेक थी जिसको मैंने मतलब उस टाइम ध्यान नहीं करा था। वहाँ पे मेरी थोड़ा सा उनके साथ बातचीत हुई कि आपने मतलब एडसेंस में अभी तक क्या करा। मैंने बताया ये सब कुछ मैंने कर लिया। सर कहते हैं कि आपका जो है ये वाला अकाउंट को डिलीट किया जाएगा और आपका नया अकाउंट बनाया जाएगा, मतलब उसमें नया अकाउंट बनाना और जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप वैसा वैसा करते जाओ, आपके पास पीसी तो है? मैंने कहा हाँ है। अरे ठीक है, तो उसे ओपन कर लो। मैंने कहा सर थोड़ा सा बताओ, शायद मैंने ये सब कुछ कर लिया हो जो आप बतावें। तो सर कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, ऐसे नहीं होगा, आप इसकी आईडी और पासवर्ड मुझे बताओ। मैंने मना कर दिया आईडी और पासवर्ड देने से, तो कहने लगे चैनल का भी और इसका भी, दोनों जगह का मुझे दो, मैं भी करके दे देता हूँ और विश्वास रखो। मैंने मना कर दिया कि सर नहीं, मैं जो है इसका आपको जीमेल और पासवर्ड नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो मतलब थोड़ा उल्टी सीधी फिर बातें होने लगी। फिर बंदे ने फिर थोड़ी सी तमीज़ से बात करी, आप कहाँ से हैं और मैं तो एक बार वहाँ की कोतवाली से गुजरा था, इस तरीके से बात हुई। फिर उनने वही डिमांड रखी कि एक काम करो आप मुझे ये दे दो और मैं अभी करके दे देता हूँ। मैंने मना कर दिया क्योंकि फिर तो मेरी उल्टी सीधी बात हो चुकी थी, फिर मैं वैसे भी नहीं देता। मैंने मना कर दिया तो वहाँ से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैं सो गया। रात को 1 बजे जैसे मैं अपनी उसको देखता हूँ अकाउंट को, तो वो हैक हो चुका था उस टाइम तक। लेकिन उस बंदे ने कहाँ से घुसा वो, तो मैं तो यही कहूँगा कि टेक्निकल इसरार नाम का जो बंदा था उसने मेरे चैनल को हैक करा और वो वहीं से जो था मतलब मेरी जीमेल तक पहुँचा, हैक करने तक वहाँ तक पहुँचा, यानी इतना हैक करा कि मेरा फ़ोन जो था वो पूरी तरीके से हैक था उस टाइम रात के, जिस टाइम मैंने देखा था, यानी फ़ोन ऑटोमेटिक चल रहा था और शायद रिस्टोर भी करने की कोशिश की गई हो, रिसेट वगैरह जो करते हैं उसको करने की कोशिश की गई हो। तो तब तक देखा मैंने, मेरे साइट के जो बटन थे वो दोनों काम कर रहे थे। मैंने बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेने शुरू करे, जैसे मेरा चैनल जो था हैक हो गया पूरी तरीके से और मेरा मोबाइल जो था फिर ठीक ठाक काम करना शुरू किया, मैं वहीं पर गया इंस्टाग्राम आईडी पे और मैंने वहां से 2-4 स्क्रीनशॉट लिए जो आप वीडियो के साइट में देख रहे हो इस टाइम। इस तरीके से मेरे चैनल को हैक किया गया। अब मैं टेक्निकल इसरार ने हैक करा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कम्युनिकेशन हुआ था इंस्टाग्राम पे वो टेक्निकल इसरार ही नाम के बंदे से हुआ था। अब वो कौन है वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये सच्चाई है, जो टेक्निकल इसरार सर हैं सहारनपुर से तो वो नहीं है, जो दिल्ली में है वो नहीं है, क्योंकि ये और ही कोई है। और भाई ये हैकर था जिसने मेरे चैनल को हैक करा और उसने टेक्निकल इसरार के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बना रखी है, लेकिन अब उसने आईडी को, अब मैं अगर देखता हूँ चेक करके तो उसने उस आईडी को चेंज कर लिया है, अजय राजपूत के नाम से इंस्टाग्राम पर वो अभी भी आईडी है। उसने मुझे जो है ब्लॉक कर दिया है, मैं कमेंट वगैरह उसको अब नहीं कर सकता। तो आप जो है इन हैकरों से बचें, और कभी भी किसी भी यूट्यूबर से अगर आप बात करना चाहते हैं तो उसकी आप ओरिजिनल आईडी की पहचानें। और मैं तो कहना चाहूँगा, अगर आप इतनी तो समझ आ गई है चैनल हैक होने के बाद कि अगर आप उसकी इंस्टाग्राम आईडी तक या उससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उस तक कैसे पहुँचें, क्योंकि हर एक यूट्यूबर अपने
यूट्यूब चैनल के अबाउट सेशन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी ये सब देता है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाएँ तो आप बिल्कुल ठीक जाएंगे। तो मैं वहाँ से नहीं गया था, ये इसलिए मैं थोड़ा सा धोखा खा गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ इन सबसे बचें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करें, मुझे साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।